नमस्कार बच्चों, आज नए चैप्टर के साथ आपके सामने सामने डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तक कर लिया है। आज हम जो है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया, ये चारों चैप्टर हैं इंटीग्रल कैलकुलस के पार्ट, और उसमें पहला जो है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो ये लगभग वैसा ही चैप्टर है जैसा 11th में आपने कंपाउंड एंगल किया था, यानी रेशियो आइडेंटिटी फिगो फेज वन, जहां आपको याद है कि आप लोगों ने किया होगा। उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद भी फील नहीं आया था कि ये हमसे होगा, तो बिल्कुल वैसा ही चैप्टर यहाँ 12th में है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन उसका। और फिर जिस फिगो फेज वन में कंपाउंड एंगल में आपको फीलिंग नहीं आई थी कि ये हमारा, हमें लगा था कि चैप्टर खत्म होने के बाद भी कि ये चैप्टर तो लुट गया हमारा, इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमें कुछ नहीं आता, और सारे फॉर्मूले तक इवन इफ आपको याद थे लेकिन क्वेश्चन नहीं होते थे, वैसा ही कुछ आपके साथ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में होने वाला है। लेकिन आपने ये भी फील किया होगा कि वही ट्रिगो धीरे धीरे अपने आप ही सुधर गया समय के साथ, समय के साथ वही फॉर्मूले आपको याद हो गए, समय के साथ उन्हीं फॉर्मूलों को आपको अप्लाई करना भी आ गया, सारी चीज़ें आपकी पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रिप में आ गई। ऐसा ही चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। या वहाँ ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली उस चैप्टर की खासियत थी कहाँ कंपाउंडिंग वाले चैप्टर की, कि वहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, और हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब शायद उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, कोऑर्डिनेट में यूज़ हुआ, कैलकुलस में यूज़ हुआ, और अपने आप ही चीज़ें सुधरती गई, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती गई वैसे वैसे चैप्टर आपकी ग्रिप में आता गया। इस चैप्टर में भी यही है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यहाँ इस चैप्टर में आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रोफाइल हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, और उसके फॉर्मूले कुछ तो बहुत अजीब अजीब से हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो आपको लिटरली 2 महीने बाद तो याद ही नहीं रहेंगे। लेकिन ये कंपाउंड एंगल से ज़्यादा टेंशन वाला चैप्टर है। उसका रीज़न ये है कि कंपाउंड एंगल चैप्टर आपने 11th में किया था, जेई देने तक काफ़ी समय आपके पास था, और वो यूज़ अपने आप होना था। अपने आप होना था कहाँ? पूरी कैलकुलस में होना था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होना था, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज़ होगा, सब जगह यूज़ होगा, वो अपने आप ही सुधर गया। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ क्या परेशानी है, एक तो अब कर रहे हैं, जेई और अभी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, उतना समय नहीं है। दूसरी बात ये कि ये किसी और जगह यूज़ होता नहीं है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस में यूज़ होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं होता है। बिना इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन हो रहे होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज़ जो आएगा वो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, यानी आगे प्रैक्टिस की संभावना खत्म है, नहीं है। तो फिर क्या जिम्मेदारी है? अभी ही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि हमें चीज़ें सही से करनी है। दूसरी चीज़ ये कि आगे के तीनों चैप्टर में क्योंकि इंटीग्रेशन यूज़ होगा तो इसलिए इनडेफिनिट अच्छे से आना जरूरी भी है। उसके लिए बस अब हमें यही ध्यान रखना है कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में ज़्यादा करने होंगे। क्लास में भी हम काफ़ी ज़्यादा करेंगे लेकिन उसके बाहर भी आपको बहुत ज़्यादा करने होंगे। आप ये मान के चलें कि यदि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा कुछ फील चाहिए, थोड़ा सा कोई फील चाहिए, तो मिनिमम 500 क्वेश्चंस करने हैं। 500 क्वेश्चन करे बिना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका कोई भला होने वाला है ये भूल जाओ। हाँ, उसमें से लगभग 150-200 क्वेश्चन हम क्लास में कर लेंगे, तो जब इतना मैं करा दूंगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि बाकी तो आप करें। हालांकि जो DPP देंगे उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एक बुक है, यदि आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चंस को या एक ही प्रोफाइल के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो एक बुक है जी एन बर्मन जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के। अब उस बुक को खरीदना नहीं है आजकल, तो वैसे तो आप जो कोरोना का पूरा टाइम चल रहा है उसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस बुक का जो है PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से कुछ पेजेस ले लो, और यदि वहाँ नहीं तो किसी बुक सेलर पर जाना, वहाँ GN Burman मांगना और 4-5 पेज जो हैं उनके फ़ोटो लेके आ जाना, बस बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस उसी से हमारा काम चल जाएगा। हमें इतना ही करना है, मतलब हमें कुल मिला के क्वेश्चंस चाहिए जिनके हम प्रैक्टिस कर सकें, और GN Burman की भी जरूरत नहीं है, जो बुक आपके पास है उसमें भी सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, आप तो जो भी बुक आपके पास है उस बुक के क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो। चलिए हम शुरू करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या एक्चुअली, पहले वो समझते हैं। पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक ही होगा, हम कुछ इंटीग्रेशन आज की क्लास में नहीं करने वाले हैं। हम बेसिक क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या,
कैसे कुछ फॉर्मूले जो हैं वो आएंगे, इन सारी बातों को करेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक्चुअली मेरे बच्चे, यदि इस इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इंटीग्रेशन जो है वो एक रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। इसीलिए इसे एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जो है हम यहाँ इंटीग्रेशन को जानते हैं। और कुछ बुक्स में, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये प्रिमिटिव भी लिखा हुआ मिलेगा। एक ही बात, प्रिमिटिव बोलें, एंटी डेरिवेटिव बोलें, इंटीग्रेशन बोलें, ये सब चीज़ें एक ही बात। और सबसे अप्रोप्रिएट नाम जो है वो है एंटी डेरिवेटिव, जिससे पता चल रहा है कि ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। यानी आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आपको नया फंक्शन मिलेगा उसको इंटीग्रेट करके वापस आपको एक्चुअल फंक्शन मिलने वाला है। यानी यहां इस नाम से समझ में आ रहा है कि इफ डेरिवेटिव ऑफ, या इफ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो यदि जी एक्स है, देन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स ये dx, इस dx का क्या मतलब है कि जिस तरह से यहां dx का मतलब था कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में फंक्शन f का, यहां इस dx का मतलब है हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में किसका, gx का। तो यहां ये रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा fx। अब बात आती है कि हम यदि इंटीग्रेशन की ही बात कर रहे हैं तो इसके आगे हमने ये इनडेफिनेट वर्ड क्यों जोड़ा है। इनडेफिनेट वर्ड इसलिए जोड़ा है मेरे बच्चे कि यदि हम यहां पर देखें कि एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि एफ एक्स प्लस फाइव का डेरिवेटिव क्या है, तो ऑब्वियसली यदि एफ एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो फिर यहां टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करोगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव तो जी एक्स आएगा ही आएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ऑब्वियसली कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब यहां क्लियर है कि एफ एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी, सॉरी डिफरेंशिएशन भी क्या है, जी एक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा इंटीग्रेशन का मतलब है एंटी डेरिवेटिव, तो फिर ये भी तो होना चाहिए कि आप इस जी एक्स को इंटीग्रेट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स प्लस 5 मिलना चाहिए। अब ये भी समझ में आ रहा है कि ये नंबर कांस्टेंट तो बदला जा सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पटक दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप यदि किसी फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स देख रहे हैं तो ऐसे और इनफाइनाइट फंक्शंस होंगे जिनका डेरिवेटिव भी यही जी एक्स होगा, और उन फंक्शंस में एक्चुअली डिफरेंस किस चीज़ का होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू का होगा। तो इसका मतलब क्लियर है, इनफाइनाइट फंक्शंस हैं जिनका ये डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली इसका एंटी डेरिवेटिव भी इनफाइनाइट फंक्शन आनी चाहिए। यानी यहां पूरी की पूरी एक फैमिली है कर्व्स की, क्या एफ एक्स प्लस कांस्टेंट, और उस फैमिली का डेरिवेटिव जी एक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम जी एक्स को इंटीग्रेट करें तो वापस वही फैमिली मिलनी चाहिए। अब उस फैमिली में यदि आपको एग्जैक्ट कर्व देके डिफरेंशिएट करके बोला है तो आप इंटीग्रेट करके एग्जैक्ट कर्व बोल देंगे, लेकिन यदि आपसे कहा गया है कि नहीं भैया हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस यहाँ सीधा सीधा आप किसी फंक्शन जी एक्स को इंटीग्रेट करके दो, तो हम कहेंगे कि भैया ये एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, वो कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। हाँ, अब जब ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब क्या हमारे पास किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन यूनिक आ रहा है, नहीं आ रहा। आप एफ एक्स बोलो, एफ एक्स प्लस 1 बोलो, एफ एक्स माइनस 1 बोलो, एफ एक्स प्लस 20 बोलो, आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। यानी यहां पे जो हमें मिल रहा है वो एक फैमिली ऑफ कर्व है, क्या है, पूरा का पूरा फैमिली ऑफ कर्व्स। अब इस फैमिली ऑफ कर्व्स की क्या खासियत है कि इसके जितने भी मेंबर होंगे इस फैमिली के, उन मेंबर्स के बीच में एक्चुअली डिफरेंस किसका होगा, कांस्टेंट वैल्यू का होगा। कि भाई जैसे यहां खाली एफ एक्स भी हो सकता है, एफ एक्स प्लस 5 भी हो सकता है, एफ एक्स प्लस 20 भी हो सकता है, कुल मिलाकर डिफरेंस होगा इस फैमिली के हर मेंबर में सिर्फ और सिर्फ किसका, कांस्टेंट का। लेकिन क्योंकि यहां एक डेफिनेट
कर्व हमें नहीं मिल रहा है, हमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं, इसलिए हम यहां इसे क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक यूनिक कर्व नहीं मिल रहा है, इनडेफिनेट है सारी चीजें, कोई डेफिनेट नहीं है यहां पर, तो इसका मतलब क्लियर है, इसीलिए इसको यहां पे बोला गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। रीजन बिंग कि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो एक यूनिक कर्व मिलने की जगह वहां पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मिलेंगी और वो पूरी की पूरी एक फैमिली होगी और उस फैमिली के हर मेंबर के बीच में एक्चुअली डिफरेंस किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट आपका। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए तो यहां तक तो अब हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि भाई ये सारी चीजें जो आ गई हैं तो उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है तो कैसे करना है, इंटीग्रेट करना है तो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये कि हमें जैसे पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x है, तो ऑब्वियसली जब मैं इस e पावर x को इंटीग्रेट करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलेगा, वापस e पावर x, बस फर्क क्या होगा, प्लस कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये ध्यान रखिएगा कि यदि मैं पूरे के पूरे इस चैप्टर में कहीं पर सी लिखना भूल जाऊं तो कोई चिल्लाएगा नहीं कि सी नहीं लिखा सर आपने, गलत है आंसर। बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है कि जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो सी रखा हुआ है, चाहे वो लिखा है चाहे नहीं लिखा है। हाँ, कई बार क्या होगा कि आपसे कहा जाएगा कि भैया इस जी एक्स को इंटीग्रेट करो और इंटीग्रेशन में आप वो कर्व निकालो जो 0.0 से पास हो रहा है। क्या मतलब हुआ, वो इस फैमिली का एक यूनिक मेंबर आपसे मांगेगा। कैसे मांगेगा कि आपने ये इंटीग्रेशन करके ये कहाँ निकाल लिया, अब इसको 0.0 से सेटिस्फाई करा देंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इस कांस्टेंट सी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कोई ना कोई वो इनिशियल कंडीशन देगा जिससे आप इस सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं और जब ऐसा होगा तो सी की एक फिक्स वैल्यू आएगी। इसका मतलब उस केस में हमारे पास जो है एक डेफिनेट कर्व आएगा, एक यूनिक कर्व आएगा, पूरी फैमिली नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अब आते हैं कि जिस तरह से ये हमने देखा कि e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस c, तो अब हमें समझ में आ गया कि यदि हमें स्टैंडर्ड कर्व जो है उनके इंटीग्रेशन चाहिए तो एक्चुअली सब कहां से आएंगे, कहां से आएंगे, डिफरेंशिएशन से। हमें कर्व्स के डिफरेंशिएशन पता है, हमें फंक्शन के डिफरेंशिएशन पता है, तो हम यदि मैंने देखा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ऑब्वियस ही बात है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो सारे के सारे जो फंक्शन निकल के आने वाले हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन निकल के आने वाली है वो डिफरेंशिएशन से ही निकल के आने वाली है। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ट बना रहे हैं। जैसे हमने आपको याद है डिफरेंशिएशन में बनाया था स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन का चार्ट बनाएं। देखिए तो इंटीग्रेशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन। देखिए फंक्शंस और उनके इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव, एक्स पावर एन, बताइए क्या होना चाहिए। अब फॉर्मूला तो याद है लेकिन आया कहाँ से, ऑब्वियस सी बात है कि आपको याद है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और कहाँ से आया, कुछ नहीं, आप x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करो तो n प्लस 1 आगे आएगा, n प्लस 1 कैंसिल होगा, x पावर n बचेगा, यानी ये x पावर n का डेरिवेटिव। मैं c नहीं लिख रहा हूँ, सब जगह प्लस c चल रहा है। ठीक है, सेकेंड, अच्छा ये जो मैंने लिखा है ये n की किन वैल्यूज के लिए वैलिड है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये n की किन वैल्यूज के लिए वैलिड है, सारी रियल वैल्यूज के लिए। हाँ बिल्कुल, यहां ध्यान रखना है x माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 हो गया तो ये तो डिफाइन है ही नहीं, और साथ ही साथ हमें पता है x माइनस 1 के केस में तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा, और 1 अपॉन x तो हमें पता है ln x का डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव है। इसका मतलब क्लियर है कि ये n की हर रियल वैल्यू के लिए वैलिड है, बस n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। सेकेंड,
e पावर x, ऑब्वियसली e पावर x। थर्ड, e पावर x की जगह यदि a पावर x आ जाए तो a पावर x का डिफिनिशिएशन a पावर x ln a, तो ऑब्वियसली बात है यहां क्या आ जाएगा, a पावर x अपॉन ln a, क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस ln a विल गेट कैंसिल आउट और हमारे पास a पावर x ही आ जाएगा। फिर साइन x बताओ, कॉस x सही है, नहीं, माइनस कॉस x। ये ध्यान रखिएगा, एक्चुअली इस चैप्टर में एक ये कॉमन एरर है। कॉमन एरर क्या है कि साइन x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, कॉस x और कॉस का डिफरेंशिएशन पता है माइनस साइन, और बहुत अच्छे से पता है, फ्लो में हम वही लिख रहे होते हैं, साइन का डेरिवेटिव लिख रहे होते हैं कॉस x, और इंटीग्रेशन भी क्या लिख रहे होते हैं कॉस x। यहाँ होता क्या है, इस चैप्टर में एक और चीज़ है, एक ही क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन भी होगा और इंटीग्रेशन भी होगा। जब हम सब्स्टिट्यूशन और ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो देखेंगे कि वहाँ हम डिफरेंशिएट भी करेंगे क्वेश्चन में और इंटीग्रेट भी करेंगे, तो इसलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, तो इस पर विशेष ध्यान रखना है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस। फिर कॉस x, ऑब्वियसली यदि हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो साइन x। सिक्स, sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, ऑब्वियसली tan x का डेरिवेटिव है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। सेवेंथ, cosec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है कॉट का, तो ऑब्वियसली कॉसेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स। फिर मेरे बच्चे यहां पे एट, सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, सेक एक्स। फिर कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है, ये है कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। फिर वन बाय एक्स एलेन एक्स, देखिए वन बाय एक्स का डेरिवेटिव हमने याद किया होता है एलेन एक्स, सॉरी हाँ एलेन एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स याद किया होता है, लेकिन वन बाय एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो एलेन एक्स नहीं होता है, एलेन मॉड एक्स होता है। क्यों एलेन एक्स क्यों नहीं लिखते, देखो यदि मैं आपसे कहूं कि एक फंक्शन एफ एक्स जो है वो एलेन एक्स है, ठीक, तो आप मुझे इस फंक्शन की डोमेन बताओगे, पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी डोमेन क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, तो यदि मैं एफ डैश एक्स पूछूं तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा, जहां एक्स कैसा होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर। भैया यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हो तो होगा तो उसी की डोमेन में ना, यानी ये डिफाइन होगा वन अपॉन एक्स किसके लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, बाकी के लिए नहीं होगा। अब इसका उल्टा करते हैं, मैंने एक फंक्शन जी एक्स लिया और आपसे कहा कि ये वन अपॉन एक्स है, आप मुझे इसका डोमेन बताओ, इसका हाँ जीरो को छोड़ के सब, कि भाई यहां यदि हम देखें तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो इसकी डोमेन जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है। तो अब यदि मैं आपसे कहूं कि नहीं मुझे आप इसका इंटीग्रेशन बता दो, तो आप क्या कहोगे कि एलेन एक्स एफ, लेकिन यदि आप एलेन एक्स कहोगे तो क्या प्रॉब्लम है, इसकी डोमेन तो आर प्लस है, फंक्शन तो पूरे आर के लिए डिफाइन है, नॉन जीरो नंबर, सारे जीरो को छोड़ के सारे आर के लिए डिफाइन है, लेकिन जब आपने उसका इंटीग्रेशन किया तो आपने डोमेन की वाट लगा दी, पूरा का पूरा एक हाँ, उसका ऐसा एरिया है जिस पे आपने जो है गायब ही कर दिया। अब ये राजा तो नाराज हो गया बेचारा कि मेरा तो पूरा साम्राज्य था, आपने आधा गायब कर दिया, तो क्या करेंगे, साम्राज्य इसको वापस देंगे, कि ले भैया तू पूरे खुश रहे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, वन अपॉन एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो है वो एलेन एक्स नहीं होता है, एलेन मॉड एक्स होता है। इलेवेंथ, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स, तो फिर यहां ऑब्वियसली सॉरी किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स एक्स। सिर्फ साइन इनवर्स एक्स होगा या माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है नहीं होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि माइनस कॉस इनवर्स भी जो है वो भी आ जाएगा। इसी तरह से यदि मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टेन इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो यहां आपके पास आ गया टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इज इट। देन लास्ट 13th, और ये है वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। बताओ, अरे sec इनवर्स एक्स का नहीं होता क्या, sec इनवर्स एक्स और माइनस cosec इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो ये 13 फॉर्मूले हैं जो बेसिक हैं, जो एक्चुअली आप सबको आते थे, इसके लिए मैंने इसमें कुछ नया नहीं बताया। आगे जो फॉर्मूले आएंगे वो नए होंगे और वो अजीबोगरीब होंगे। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के, हाँ क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स हमने देख लिए। हमने ऐसे देखा इसको रिवर्स तरीके से कि भैया ये किसका डेरिवेटिव है, हमने यहाँ इसका एंटी डेरिवेटिव वो लिख दिया, ऐसे अभी हमने देखे। और मैं अब ये मान के चलो कि दो क्लास हमारी ऐसी होंगी, आज की क्लास और अगली क्लास, तो कम से कम ऐसी होंगी जहां मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उसमें यही 13 फॉर्मूले लगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन हम सीखेंगे कि ये 13 फॉर्मूले लगा के हाँ इंटीग्रेशन करना वो भी इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो ये फॉर्मूले तो देख ही लिए, इसके साथ एक चीज और देखते हैं फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है क्या। देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अभी जो हमने डिस्कस किया है उससे क्या समझ में आया कि जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका कोई डेरिवेटिव मिलता है, उस डेरिवेटिव को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वो फंक्शन नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे जिनमें क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा। तो यानी पूरी की पूरी हमें क्या मिलेगी, एक फैमिली मिलेगी। अब उस फैमिली को यहाँ ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये इंटीग्रेशन से जो मिल रहा है वो क्या है। तो देखिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी, ठीक है। ये है यानी एक्स स्क्वायर को जब हमने इंटीग्रेट किया तो मुझे मिला एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी। अब ये मैं एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी इस फैमिली को स्केच करूं, ये जो इसके इनफाइनाइट मेंबर्स हैं इनको स्केच करें तो क्या बनेगा स्केच, देखो आप बना सकते हैं स्केच, बनाओ एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस कॉन्स्टेंट स्केच बनाओ। या एक काम करते हैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, हमें तो समझ नहीं है ना, किसी पे भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2x, तो इसका इंटीग्रेशन बताओ एक्स स्क्वायर प्लस सी, आपके लिए स्केच करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इस कर्व को चेंज कर दिया क्योंकि हमें सिर्फ समझना है। तो 2x dx इसका इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस सी वाली पूरी फैमिली को हम इंटीग्रेट कर, हाँ इस पूरी फैमिली का हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है आप सभी को, ये एक्स स्क्वायर, ठीक। अभी मैंने सी का वैल्यू क्या लिया, जीरो लिया। अब सी का वैल्यू वन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये ग्राफ वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगला ग्राफ जो बनेगा, लीजिए ये बना देते हैं, फिर और बना देते हैं, नीचे वाले भी बना देते हैं। तो मान लीजिए ये वाला स्केच है मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वन का, ये एक्स स्क्वायर का, फिर ये जो है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसे मैंने बहुत सारे स्केच बना दिए, ठीक। ये मैंने पूरी फैमिली बना दी एक तरह से, इसमें आपको पता है कि ऐसे ही चलता रहेगा और बनते रहेंगे, ऊपर और नीचे भी बनते रहेंगे ऐसे पैराबोला। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखिएगा, मैंने यहां पर मेरे बच्चे x की एक फिक्स वैल्यू के लिए एक वर्टिकल लाइन बना दी, लेट x इक्वल्स टू
अल्फा। ये वर्टिकल लाइन फैमिली के हर मेंबर को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। मैं क्या कर रहा हूं कि जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है उन सारे पॉइंट पर मैं टेंजेंट बना रहा हूं हर कर्व पर। जैसे मैंने इस पर इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, ये बन गया। इस पर इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, ये बन गया। इस पर इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, ये बन गया। ऐसे यहां टेंजेंट बनाया, ये बन गया। इन टेंजेंट की क्या खासियत नजर आ रही है? सब पैरेलल हैं, बिल्कुल सही कि सारी की टेंजेंट्स क्या हैं? पैरेलल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम यहां देखना चाह रहे हैं वो ये कि किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन से जो पूरी की पूरी एक फैमिली मिलेगी, उस फैमिली पर यदि हम एक्स की वैल्यू फिक्स कर दें तो फिक्स एक्स वैल्यू के लिए बनने वाली सारी की सारी टेंजेंट क्या होंगी? पैरेलल होंगी। या ऐसा कहें कि फिक्स एक्स वैल्यू के लिए सारे के सारे जो मेंबर हैं इस फैमिली के उनका डेरिवेटिव सेम आएगा। आएगा नहीं आएगा? आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहां क्या मिलेगा? 2x, x = अल्फा पे सबकी वैल्यू क्या हो गई? 2α। तो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि जो भी फैमिली मिलेगी उसके हर मेंबर पर फिक्स एक्स वैल्यू के लिए जो टेंजेंट बनेंगी वो सारी की सारी टेंजेंट कैसी होंगी? पैरेलल। तो लिख लीजिए, फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स टेंजेंट्स टू ईच मेंबर ऑफ फैमिली, ईच मेंबर ऑफ फैमिली विल बी पैरेलल। यह है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। हमने जो पहले लिखा था एक्स क्यूब बाय थ्री, उसमें बस ग्राफ कैसे बनता? उसमें ग्राफ ऐसे बनता, एक्स क्यूब का ग्राफ जैसे बनता है ऐसे ऊपर बनते रहते, ऊपर नीचे सब कुछ वैसे ही रहता। बात तो वहां भी यही होती। तो कुल मिला के पूरी की पूरी फैमिली के हर मेंबर पर जो है वो टेंजेंट्स जो बनेंगी एक फिक्स एक्स के लिए वो सेम बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। मतलब अब देखिए, ये तो हो गया हमारे कुछ फॉर्मूले और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब क्या सिर्फ इन फॉर्मूलों से हमारा काम चल जाएगा? इंटीग्रेशन के कुछ अपने कोई रूल है क्या? जी हाँ। तो यहाँ कुछ रूल्स लिख लीजिए। फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के कुछ फंडामेंटल रूल्स। उसमें पहला रूल लिखे, या उसमें लिखे पहले तो, इफ डी वाई डी एक्स, या हम तो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं अभी, ये तो समझ ही चुके हैं, तो सिर्फ ऐसे लिखें कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स प्लस एंड अदर कॉन्स्टेंट सी डैश। देन रूल नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ के टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ के टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। क्या मतलब हुआ? यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो उस फंक्शन को यदि एक रियल नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर जो नया आपको फंक्शन मिलेगा उसका इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं है, ये के बाहर आ जाएगा। यदि यानी कुल मिला के किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो आप उससे इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हमारे पास एफ एक्स का ही इंटीग्रेशन मिलेगा जी एक्स। सेकेंड, फिर इसी तरह से यदि आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस कांस्टेंट के, तो क्या होगा? ये के भी बाहर आ जाएगा? नहीं, ये के भी इंटीग्रेट होगा, ध्यान रखना। यहां तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, ऐसा नहीं कि यहां के बाहर कर दिया था सब जगह कर दो। तो ये समझाने के लिए यहां पर ये लिखा है कि भैया यहां इंटीग्रेशन होगा जी एक्स प्लस के एक्स, कॉन्स्टेंट तो रहेगा ही, यानी ये अलग है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन में बाहर आ जाएगा। थर्ड,
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस पी एक्स। एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, पी एक्स का इंटीग्रेशन क्यू एक्स है, तो फिर उनके सम और डिफरेंस का इंटीग्रेशन करना है तो दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन के बराबर। यानी क्या आ जाएगा यहां पर कि भैया जी एक्स प्लस माइनस क्यू एक्स, प्लस सी लिखूं या सी प्लस सी डैश लिखूं, कॉन्स्टेंट एक ही लिखना है। देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि हर टर्म को इंटीग्रेट करके कॉन्स्टेंट चिपकाते जाएं, आप तो जितना भी इंटीग्रेशन करना है पहले पूरा इंटीग्रेशन कर दें और लास्ट में आके कोई एक कॉन्स्टेंट अलग से ऐड कर दें। ऐसा नहीं कि इसका इंटीग्रेशन किया तो यहां भी कॉन्स्टेंट लिखा यहां भी कॉन्स्टेंट लिखा, एक्चुअली ऐसा होगा भी तो क्या होगा, उन दोनों कॉन्स्टेंट को मर्ज करके आप एक अकेला कॉन्स्टेंट बना सकते हो। तो इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद एक कॉन्स्टेंट वहां चिपकाएंगे। फिर फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये बड़े काम का है, ये ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी विल बी जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट। ये क्यों आया ये क्यों आया, देखो इसका रीजन समझ में आता है कि जब मैं जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्चुअली ये तो समझ में आ ही रहे हैं कि एफ का इंटीग्रेशन जी है तो जी का डिफ्रेंशिएशन एफ है, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो जी तो कैसे लिखोगे आप, पहले तो जी को डिफ्रेंशिएट करोगे जी डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी, अंदर घुसोगे चेन रूल से ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करोगे, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए, तो हो क्या रहा है कि ये जो अपॉन वाला ए है एक्चुअली ये जब चेन रूल लग के एक नया ए आएगा उस ए को बैलेंस करेगा और कैंसिल कर देगा और आपके पास फाइनली जो आएगी वैल्यू वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। भाई जी का डेरिवेटिव एफ है ना, तो ये आ गया, तो इसका मतलब क्लियर है कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी वो जो चेन रूल से एक ए आना था उसको बैलेंस करने के लिए हमने या नीचे क्या लगाया है, ए लगाया। अब लेकिन इस रूल का जो मिसयूज होता है वो बहुत जबरदस्त होता है कि भैया समझाया कैसे कि यहां चेन रूल लग रहा है और उस चेन रूल के ऑफसेट को बैलेंस करने के लिए हमने ए चिपकाया है, तो मिसयूज कैसे होता है कि अच्छा ये तो समझ गए हम, अब तो आगे सारे क्वेश्चन कर देंगे। सारे क्वेश्चन कैसे कर देंगे कि e पावर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, e पावर एक्स का होता है e पावर एक्स, तो यहां e पावर साइन एक्स लिख देंगे। चेन रूल लगा जब लगाएंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, उस कॉस एक्स को कैंसिल करने के लिए नीचे कॉस एक्स चिपका दिया। भैया ध्यान रखना ये जो है ये रूल सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब फंक्शन में x की जगह ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एक x का लीनियर, दूसरा कोई फंक्शन होगा तो नहीं लगेगा, दूसरा कोई फंक्शन होगा तो नहीं लगेगा। आप चाहें तो वेरीफाई करके देख लो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा क्या, ये कोशेंट रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, इसका मतलब पहले तो e पावर साइन एक्स डिफरेंशिएट होगा और फिर क्या होगा कॉस एक्स ऐसे कैसे आएगा, फिर कॉस एक्स डिफरेंशिएट होगा e पावर साइन एक्स ऐसे कैसे आएगा और नीचे कॉस स्क्वायर और आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो चेन रूल वाले कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, जब फंक्शन में एक्स की जगह ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए, कोई लीनियर आ जाए, कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी, ये ध्यान रखना। यानी चेन रूल जैसी कोई चीज हमें इंटीग्रेशन में नहीं सोचनी है नहीं लगानी है, हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास सिर्फ इतनी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यदि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो उस एफ एक्स में एक्स की जगह हम ज्यादा से ज्यादा क्या देख सकते हैं, लीनियर, लीनियर होगा तो वहां तक ठीक है, उसके आगे नहीं सोच सकते। हाँ जैसे ये मैं कहूं कि ई पावर टू एक्स प्लस फाइव, हाँ ये इंटीग्रेट हो जाएगा, x की जगह लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या, e पावर 2x प्लस 5 अपॉन 2, यानी
एक लीनियर है एक्स की जगह, तो बिल्कुल इस वाली प्रॉपर्टी को लगा के इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन यदि कोई फंक्शन है तो लीनियर के अलावा कोई फंक्शन है तो नहीं चलेगा, फिर हमें ये प्रोसेस नहीं यूज करना, ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए है, इससे बच के रहना।